भाई इसने देखो यहाँ बाहर तारक मेहता चला दी और हम बाहर खड़े जिम के, और वहाँ देखो अंदर वो तो भाई आ रहा पता नहीं इधर भाई आ गया क्या होगा नहीं मैं तो ब्लॉग बना रहा रही अरे अंदर ही होएगा किसी का भाई बता सिस्टम देख लो भाई यार वो उधर ढूंढ रहे भाई उनकी कहाँ से चल रहा है उनको पता नहीं पड़ पा रहा अरे बंद कर दिया आवाज कम कर दी कहाँ का मजे ले रहा है अभी तो क्या होगा मिला नहीं मिला देखो ना अंदर ही होगा आवाज तो कम क्यों कर दी सिस्टम है भाई परेशान हो रहे थे वो रे अरे भाई जो कनेक्ट होएगा दिख जाए भी अरे भाई हम आ गए क्या लेने आ गए रे खिचड़ी खिचड़ी लेने आ गए मैं कह रहा हूँ आजकल बहुत खिचड़ी खा रहा है तू खाना पड़ता है सिल्वर पनीर भाई और अपनी खिचड़ी आ गई और प्याज व्याज आ गए अभी लेके जा रहे हैं इसको क्या आजकल बहुत खिचड़ी लग रही है हम तो डाइट खा रहे हैं जिन बॉडी बनाने के लिए खिचड़ी खा रहा हो गए चलो भाई अभी खिचड़ी लेके निकलता है जिम से फ्री हो क्या लेगा इश तो तुम कहते तो हो गए यहाँ पे बहुत ब्लॉग बनाते हो यहाँ पे लाइट आती है यार बहुत ज़्यादा अच्छे से इसलिए हम यहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं बाकी भी जा रहे हैं खिचड़ी उचड़ी लेके बढ़िया एक जगह मतलब हम मैं तो नहीं जा रहा हूँ ये जा रहा है घर पे लेके जाएगा खिचड़ी विचड़ी खाएगा बाकी इधर तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ बहुत कड़ी चीज मेरी पुरानी बाइक जो मैंने इसको बेच रखी विकास को भाई मेरी बात सुनो एक सेकंड गुड मॉर्निंग हो रही भाई अभी एक बार और चाय पिला दो यार ताजी बना के पिला दो मैं कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने वाला हूँ मैं तुमको आज थोड़ा सा सीरियस होके जैसे देखो भी कहता हूँ पांडा सुन लेना ध्यान से जैसे हम किसी होटल में जाते हैं है ना तो वहाँ एक मेहमान की तरह जाते हैं गेस्ट की तरह जाते हैं तो वहाँ पे जाके नहाना खाना पीना सब करना है ना और उसके बाद अपन आ जाते हैं वहां से कुछ लेके आते हैं कुछ भी सामान लेके आते हैं वहां से नहीं लेके आते ना तो वैसे ही अपन धरती पे आए हैं धरती पे अपना कुछ नहीं है अपन मेहमान बन के आए हैं अपने को यहाँ आना है यहाँ पे जो भी है चीजें यूज करना और फिर एक दिन चले आना है बाकी लोगों में इतना घमंड भरा है इतना एटीट्यूड भरा है कि बहुत बड़े 30 मार खां लोग है पहलवान लोग है जिन्हें घमंड होता है कि अरे मेरा तो ऐसा है मेरा वैसा है मैं ये कर दूंगा मैं यहाँ चल जाऊंगा इस जगह पे ये मुकाम हासिल कर लूंगा ये कर लूंगा बाकी किसी को वक्त का ठिकाना नहीं है ये चुटकी बजाते से सब कुछ खत्म हो सकता है जेन्युइन बात बता रहा हूँ रियलिटी बात बता रहा हूँ सब टाइम का खेल है सही है कि नहीं तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तुम्हें ठोकर लग जाएगी तुम मर जाओगे तुम 10 मिनट पहले कुछ भी सोच लो तुमने ये करना है वो करना है बाकी तुम्हें यहाँ बेड पे बैठे बैठे कुछ भी हो जाए तुम्हें सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ तो लोग इतना घमंड पालते हैं और सही कहते हैं टाइम इज मनी मनी इज टाइम बाकी प्रायोरिटी ये है कि फैमिली को भी टाइम दो सबको टाइम दो टाइम की वैल्यू है तो भाई अपने घमंड ये क्या गिरा रहा तू घमंड अमंड करने की कोई वो नहीं है जरूरत नहीं है बढ़िया अपने धरती पे आए हो हर चीज को समझ दो चिल मारो फ्री माइंड होकर काम करो यार ये करना है वो करना है यहाँ जाना है वहां जाना है समय का खेल है समय का एक मिनट में क्या हो जाए मेरे को नहीं पता तुम्हें नहीं पता किसी को नहीं पता तो बढ़िया अपने टाइम दो समझो उस चीज को पांडा क्या करता है तू एग्री करता है इस बात से अरे इधर आके तो बोल दे इतना रईस हो गया कि वहां से बोलेगा अब तो यहाँ आके बताना पांडा के मन में भी कुछ बातें दब रखी है आज तो पांडा भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा पांडा ये कहना चाहता कई कई लोग तो पैसे भी मांग लेते मुंह से क्यों
कई लोग तो मुंह से पैसे मांग लेते हैं। हाँ कई लोग तो दाढ़की मांग लेते हैं। कोई नहीं, बाकी भाई अभी जस्ट बेड में ही हूँ यार। मैं आज जरा एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। बता दूँ कहाँ जाना है, पर अगला व्लॉग आएगा उसका। जा रहा हूँ शादी की डेट फाइनल करने, तो मेरे ससुराल में जाके सीधा टक्कर दूंगा वहां पे। सही है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ पांडा खुश है तू? आज तेरे बच्चे की शादी की डेट फाइनल हो जाएगी, खुश है तू? मैं तो कह रहा हूँ तू बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होगा यार। तू सोच रहा होगा कहाँ साला शादी कर ले। पांडा तो दुख मना रहा है कि क्यों कर रहा है ये शादी। कोई नहीं भाई पांडा, हम कर लेते शादी, है ना। आज डेट फाइनल करने जाएंगे शादी की। और भाई कल रात को क्या हुआ था पता है यार? तुम सोच रहे होगे साला व्लॉग रात को चालू करता है, अगले दिन व्लॉग कंप्लीट करता है। भाई उसका सीन ऐसा है कि कल व्लॉग चालू करा जिम में, जिम से हम बॉडी वॉडी बना के बाहर फ्री होके आ गए। उसके बाद अपना भाई है विकास भाई ने क्या करा, इस वो ब्लूटूथ चालू था, लगा दिया तारंग मेहता, उस पर चल रहा तारंग मेहता बढ़िया। अंदर सारे जने परेशान हो रहे हैं कि ये कहाँ बज रहा है। इसने क्या करा, लगा के ऐसे जेब में रख लिया। सारे जने परेशान हो रहे हैं कि साला बज कहाँ से रहा है। वो दो तीन भाई तो बाहर आके कह रहे, विशाल भाई ये क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, हम तो हमारा ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। कह रहा और किसी न किसी बेवकूफ ने तारंग मेहता लगा दिया। आवाज आ रही यहाँ पे, हम बॉडी नहीं बना पा रहे, डिस्टर्ब हो रहे। बाकी फिर बाद में बहुत देर के बाद फिर बंद कर दिया। फिर उनको बता दिया कि हाँ हम ही कर रहे थे, ऐसी ऐसी भी हरकतें करने लग गए आजकल तो हम। जहाँ जहाँ लगता है चिल मारना, मस्ती मजाक करना है, वही करते हैं। तो तुम भी मस्ती मजाक करो, चिल मारो यार। इतना वो नहीं दिखाना चाहिए कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हो गए ना तुम यार। बाकी दो बोल प्यारे बोलो ताकि सबको अच्छा लगे, ठीक है भाई। बाकी अभी रेडी वेडी हूँगा मैं बढ़िया तरीके से। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या पहनना है, क्या पहनूँ, क्या पहन के जाऊँ। पहले सोचा था कि ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और वो नया वाला जैकेट पहनूंगा, वो पफ पफ वाला है ना, वो वाला। बाकी अभी जरा अपने मम्मी से पूछता हूँ क्या पहन के जाना है, ठीक है भाई। बाकी अभी सीधा अगला ब्लॉक जा रहा हूँ शादी की डेट फाइनल करने। आज तो सीधे खेचम खेच टक्कर देंगे, अपनी डेट फाइनल कर देंगे, है ना। ठीक है जी, चलो बाय बाय, ब्लॉग को करते खत्म। ओके टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बिस्तर में ही ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। और अपना वीडियो आ रखा है आज 8 बजे द क्रिएटिव हैकर पे। तुम्हारे भाई ने शक्कर में आग लगा दी साल, जाके देख लो बढ़िया तरीके से कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्या क्या कर रहा हूँ तुम्हें पता ही नहीं है। जाके देख लो जरा, शक्कर में आग लगा दी मैंने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। अब तुम देखो कैसे लगाई होगी। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, यहाँ से देख लो, या तो डायरेक्ट द क्रिएटिव हैकर सर्च कर लो, सबसे पहला वीडियो वही आएगा। चलो ठीक है ना, देख लो ना, मेरे लिए देख लेना, ठीक है भाई। चलो बाय बाय।